कैल्शियम और वाइटामिन डी के लिए, कैल्शियम के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट मिल्क और मिल्क डेरी प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स। हैं, हाँ योगर्ट है, चीज़ है। अब आजकल नया ट्रेंड चला है कि लोग वीगन डाइट पे जा रहे हैं जिसमें मिल्क नहीं लेना चाहते, तो देर आर अदर ऑप्शंस जैसे सोया मिल्क आजकल लोग यूज़ करते हैं, छाछ है, लस्सी है, ये सारे जो रूटीन की चीज़ें हैं, इसमें बटर मिल्क है, ये सब चीज़ों में हमें एक एडिक्वेट कैल्शियम मिल जाता है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन या एगिटेरियन है, देन एग इज़ अ वेरी गुड सोर्स फॉर नॉट ओनली प्रोटीन बट ऑल्सो अ बिग सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड वाइटामिन डी, उससे भी हमें एडिक्वेट मिलता है। अब वाइटामिन डी का जो सोर्स है वो डाइट में काफ़ी कम होता है, और जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है डेली की, वो हम सिर्फ अगर कोई वेजिटेरियन है उसके लिए पूरा करना बहुत मुश्किल है। तो वो एक ऐसा सप्लीमेंट है, वो ऐसा एक मिनरल है जो हर एक को एक मिनिमम क्वांटिटी में ज़रूर लेना चाहिए, स्पेशली जो वेजिटेरियन है और जो मोस्टली इंडोर्स रहते हैं। लोग कहते हैं हम पूरा दिन सनलाइट में घूमते हैं, हमें क्यों वाइटामिन डी डिफिशेंसी हो गई, सो वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि हम जब बाहर धूप में जाते हैं वो टाइम क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम दोपहर को 12, 3 बजे, 2 बजे जा रहे हैं और उस टाइम पे हमारे सिर्फ हाथ और फेस ही एक्सपोज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो कि हार्डली 10% बॉडी सरफेस एरिया है, हाँ तो जब तक हमारा 40% बॉडी सरफेस एरिया एक्सपोज नहीं है, ओ और जब तक वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स नहीं है, और जब तक वो 30 मिनट्स का टाइम नहीं है, तब तक हमें एडिक्वेट वाइटामिन डी नहीं मिल पाता है, वो स्किन में नहीं बन पाता है। और स्किन कलर से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, जितना डार्क स्किन कलर होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा वाइटामिन डी बनने में, जितना फेयर अच्छा स्किन होगा उतना कम टाइम लगेगा। सो ये बहुत ओ सारे फैक्टर्स हैं, प्लस जितना कितने महीनों में हमारा मानसून होता है, विंटर्स होता है, जब सन ही नहीं होता, सो वो रेगुलरिटी वाइटामिन डी सनलाइट में बनाने का इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन मैन। सो व्हाट वी एडवाइज इज कि कैल्शियम यस आपको डाइट से मिल जाएगा, इफ़ यू आर वेजिटेरियन मिल्क ले रहे हैं या बाकी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। आपको वाइटामिन डी का एक चैलेंज हमेशा रहता है, हाँ जी तो हमेशा मिनिमम 2 डोज महीने का हर एक को बताते हैं, जो कि अंदाजन 24 डोज साल की हो जाती है। हमने एक सिंपल फार्मूला बना रखा है कि 12 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए वंस अ मंथ एक सफिशेंट डोज होता है, हाँ जो आजकल स्टैंडर्ड वो नैनो शॉट्स वगैरह आते हैं, और 12 साल से ऊपर जो है उनके लिए महीने का 2 डोज सफिशेंट है।